श्योपुर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का एक और कार्यकर्ता हुआ बागी। वार्ड नंबर 15 में दीपू प्रजापति ने टिकट ना मिलने से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया। दीपू प्रजापति का कहना है कि पिछले 15 सालों से पार्टी में निस्वार्थ भाव से सेवा करता रहा हूं और जब हमारा मौका आया तो पार्टी ने किसी और को टिकट दे दिया। और यही नहीं, दीपू प्रजापति ने तो यह भी आरोप लगाया कि भाजपा पार्टी गरीबों की पार्टी नहीं है, यह पैसे वालों की पार्टी है। जो पैसा खर्च करता है, जो पार्टी में पैसा देता है, वही पार्टी में आगे बढ़ता है। हम लोग तो गरीब हैं, इसलिए पार्टी ने हमें टिकट ना देते हुए किसी और को टिकट दे दिया। दीपू प्रजापति अभी पार्टी में नगर मंडल में मंत्री के पद पर कार्यरत थे और वार्ड नंबर 15 से अपने लिए टिकट मांग रहे थे, जो पार्टी ने नहीं दिया। इससे नाराज होकर निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया और कहा कि पार्टी को हम सिखा देंगे कि जनता हमारे साथ है, पार्टी ने हमें टिकट ना देकर कितनी बड़ी भूल की है। और दीपक प्रजापति ने आज पूरे वार्ड में समर्थकों की लेकर रैली निकालकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और कहा कि जनता हमारे साथ है और हम जीत कर पार्टी को दिखा देंगे कि जब कार्यकर्ता अपने पर आता है तो क्या कर सकता है। अगली बार भी हमने टिकट मांगा था, अगली बार भी हमको टिकट नहीं दिया। अब इस बार भी हमने टिकट मांगा, फिर भी हमको टिकट नहीं मिला। 16 साल पार्टी में काम करते होगी हैं, ये पार्टी है पैसों वालों की और जूते वालों की हैं, गरीब आदमी की कोई पार्टी नहीं है, गरीब आदमी के कोई प्रयास नहीं है। इसलिए इस पार्टी से हम इस्तीफा चाहते हैं और हम निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इस्तीफा दे दिया तुमने पार्टी से? इस्तीफा मैंने दिनेश दिगोलिया से बोल दिया था। लिखित में इस्तीफा दिया कैसे? वैसे मोबाइल पे बोल दिया था, पर लिखित में दे देंगे हम। हाँ, तो अब क्या फैसला किया? हमारा ये फैसला है, चुनाव लड़ना है हमको। चुनाव लड़ना? हाँ। तो आप कई निर्दलीय से लड़ रहे हो? कैसे? निर्दलीय लड़ रहे हैं। अच्छा, तो कौन से वार्ड से? अपने वार्ड 15 से। अपना वार्ड 15 में अभी कौन सी महिला सीट है? महिला सीट है पिछड़ा वर्ग। तो भाभी जी को चुनाव लड़वा रहे? हाँ। तो समर्थन, लोगों का समर्थन तो होगा आपके पास? हाँ, बड़े अच्छा समर्थन है, मतलब अब कम से कम 125 आदमी से। तो पार्टी ने आश्वासन दिया टिकट के लिए कैसे, मतलब क्या आश्वासन? क्या लाइन पे पेलन में नाम नहीं था हमारा। अच्छा। तो आपने पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा नहीं करी? चर्चा करी है, सब उनको बायोडाटा दे दिया। उन्होंने यहाँ कहा कि बायोडाटा आप दे जाओ, हम प्रयास करेंगे टिकट दिलवाने का, आप तो काम करो पार्टी में। तो हम काम कर रहे हैं, हम रह गए काम करने में, टिकट वाला टिकट ले गए, ये है नहीं। तो आपके जिला अध्यक्ष से चर्चा नहीं हुई उसके बाद में, टिकट होने के बाद में? जिसके बाद में चर्चा नहीं हुई, उन्होंने यूँ किया आप तो काम करो, हम आपका प्रयास कर रहे हैं, आपका टिकट। हाँ, फिर ऐसा कैसे हुआ कि टिकट किसी और को मिल गया, आपको नहीं मिला? अब ये तो नेतान को मालूम, ये तो उनका गुट चलता है नेतान का, हमारा कोई गुट नहीं है। हम तो पार्टी के आदमी हैं, ईमानदारी से पार्टी में काम कर रहे हैं। उनका तो गुट है, गुट वालों उनको दिलवाते हैं, ये नहीं। अभी आपके पास क्या दायित्व पार्टी में? मेरे पास में मंत्री का पत्ता, नगर मंडल में। हाँ, नगर मंडल में मंत्री का।